लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र में लोक प्रतिनिधि कानून लागू है, फिर भी सरकार के तमाम महामंडल लोक प्रतिनिधियों के बिना चल रहे हैं। सिडको उन महामंडलों में से एक है जहां बीते 10 सालों से संचालकों की नियुक्ति तक नहीं हो पाई है। कानून कहता है कि स्वराज संस्थानों में जनता की सीधी सुनवाई और मदद के लिए लोक प्रतिनिधियों की नियुक्ति होनी चाहिए, फिर भी सिडको जैसे दर्जनों महामंडल ऐसे हैं जहां संचालकों की कुर्सियां अभी भी खाली पड़ी हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि जनप्रतिनिधियों का अंकुश और जवाबदेही नहीं होने से यहां नौकरशाहों की मनमानी और धांधली चलती है। इसकी वजह से कई महामंडल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार विश्वरत नायर इसे लोकतंत्र और लोक प्रतिनिधित्व कानून दोनों का मजाक मानते हैं। सवाल ये है कि आखिर यह व्यवस्था कब तक ऐसे ही चलती रहेगी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। प्रोविजन तो ये है कि द ब्यूरोक्रेट इज अ पब्लिक सर्वेंट, और वो भूल गया, वो अभी भी ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि ब्रिटिश राज चल रहा है अभी। एक पत्रकारिता का तोहिन है, लेकिन लोकशाही का भी तोहिन है। देखो, इट ऑल स्टार्ट्स विद एवरीथिंग, रेड टेपिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन, सब चीज हो जाता है। अगर एक हाथी सत्ता हो या पावर सेंट्रलाइज हो, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं। कानून कहता है कि स्वराज संस्थाओं में लोक प्रतिनिधियों की नियुक्ति अनिवार्य है, लेकिन सिडको महामंडल है कि बीते 10 सालों से बिना संचालकों के चल रहा है। तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 4.5 सालों तक ब्यूरोक्रेसी के जरिए सिडको को चलाया और अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी उसी नौकरशाही के जरिए सिडको की गाड़ी हांक रहे हैं। जाहिर है, अंकुश नहीं है तो अधिकारी मनचाहे फैसले लेते हैं, जिसे चाहे मिलते हैं या मना करते हैं। यहां बिल्डरों और दलालों की चलती है, जबकि मीडिया और सामान्य जनों की कोई सुनवाई तक नहीं होती। ताज्जुब यह है कि इस मनमानी के खिलाफ सामान्य जनों की न तो सुनवाई हो रही है, न समय पर न्याय मिल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार विश्वरत नायर इसे लोकतंत्र और लोक प्रतिनिधि कानून दोनों का अपमान मानते हैं। असल में लोक प्रतिनिधित्व स्वराज संस्थाओं का आधार है, फिर भी इसे दरकिनार किया जा रहा है। विश्वरत नायर ने कहा कि यह सरकार और अधिकारियों की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि निजी फायदे के साथ वर्चस्व भी कायम रहे, इसलिए यह व्यवस्था बदलने की जरूरत है। प्रोविजन तो ये है कि द ब्यूरोक्रेट इज अ पब्लिक सर्वेंट, और वो भूल गया, वो अभी भी ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि ब्रिटिश राज चल रहा है अभी भी। एक पत्रकारिता का तोहिन है, लेकिन लोकशाही का भी तोहिन है। छोटे मीडिया के कोई लोग अगर जाए सिडको एमडी को मिलने, वो मीन उसका इतना डेयरिंग होता है, ही रिफ्यूजेस, मतलब वो बिल्कुल मना कर देते हैं मिलने से। ये जो ब्यूरोक्रेट्स है, अपने ग्लास टावर में बैठ के, एसी रूम में बैठ के अगर डिसीजन लेना लगेगा, तो उन लोग पब्लिक का जो रिक्वायरमेंट है, पब्लिक का जो जरूरत है, उससे कट ऑफ होगा। ये लोग, इनका रवैया बदलना चाहिए। अभी ये स्टेट में तो एकदम राम भरोसे चल रहा है, मतलब कोई भी ऑडिट रिपोर्ट का कंप्लायंस के ऊपर कोई डिबेट कभी देखा नहीं। गौरतलब है कि राज्य में सिडको, MIDC और MPCB समेत कुल 64 महामंडल और 4 प्रशासनिक संस्थाएं हैं, लेकिन अधिकांश संस्थाओं में न तो चेयरमैन हैं, न तो डायरेक्टर हैं। जाहिर है, सभी महामंडलों के फैसले मंत्रियों के निर्देश और नौकरशाहों की रणनीति पर हो रहे हैं। वजह यही है कि ऐसे महामंडल आज भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बने हुए हैं। सिडको महामंडल इसका बड़ा उदाहरण है। CAG की सालाना रिपोर्ट इसका सबूत देती है कि किस तरह इन महामंडलों में धांधली का खेल चलता है, फिर भी इनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार विश्वरत नायर इसे नेताओं और नौकरशाहों का साझा खेल मानते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक जनता इसके खिलाफ नहीं बोलेगी, तब तक हालात बदलना असंभव है।
तो सिडको और कॉरपोरेशन की बात कर रहे हो, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी इलेक्शन होके अभी 1.5 साल होने आया है, तो एंड कॉरपोरेशन का तो 10-10 साल जैसा, वो भी सिडको जैसा बॉडी जहाँ पर करोड़ों का ये उलाढाल होता है, टर्नओवर होता है, तो एंड मैनी डिसीजंस, ये पब्लिक वेलफेयर डिसीजंस होता है, कुछ लोक प्रतिनिधि भी इसका फ़ायदा उठाते हैं, एंड ब्यूरोक्रेट्स को ये फ़ायदा है कि उनको कोई इंटरफेरेंस नहीं, उनको भी उनके मर्जी के कुछ लोगों को अगर फेवर करना है तो करना है, बट ये इट डिफीट्स द पर्पस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी का जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का जो पर्पस है उसको पूरा तरह से उसको वायलेट किया जाता है इससे। देखो इट ऑल स्टार्ट्स विद एवरीथिंग, रेटेपिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन, सब चीज़ हो जाता है फिर, अगर एक हाथी सत्ता हो या पावर सेंट्रलाइज हो, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि और लोग इन्वॉल्व हो जाए और हर चीज़ ग्रास रूट लेवल तक लोगों को मालूम हो जाए, बदलाव नहीं आएगा जब तक पब्लिक सवाल नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।